मंच एक बार पुनः मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और जोर से बोलिए भारत माता की। और आदित्यनाथ जी हमारे मंच पर जोरदार तालियों से उनका अभिवादन स्वागत उनके साथ मंच पर माननीय मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ जी, माननीय सांसद हर्ष के पल, माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन के बाद बस कुछ ही पलों पे हम सबके बीच में आवास देते थे, न कमजोर के लिए कोई सुविधा देते थे, न गरीब के लोगों के लिए अन्न योजना का लाभ ही दे पाते थे, न कमजोर तबकों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा दे पाते थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। हमारी सरकार ने 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को आवास की सुविधा का लाभ दिया है। और अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज में 1.25 लाख लोगों को आवास की सुविधा का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी पैसा देते हैं लेकिन पिछली सरकारें इस पैसे को अपना घर बनने में, अपना घर बनाने में खर्च करती थी। हमारी सरकार आई, हमने इस पैसे को एक एक गरीब को मकान देने में लगाया और आज आप देख सकते हैं 43 लाख गरीबों का एक एक आवास बन गया। पहले शौचालय के नाम पर पैसा आता था और शौचालय के नाम पर आने वाला पैसा गरीब के घर में शौचालय बनाने के लिए नहीं, उस पैसे का दुरुपयोग क्या होता था। ऐसे ही जो आज दीवारों से नोट निकल रहे हैं एक गरीबों के लिए आने वाली योजनाओं का नोट है।